चेस्ट पेन, जो चेस्ट की पेन है, इट कैन बी ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको बज़ वर्ड्स पता होने चाहिए या सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे आप पिक कर सकें। FCPS पार्ट वन में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं चेस्ट पेन के, सिनेरियोस एज इट इज रिपीट हुए हैं, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अच्छी हिस्ट्री चेस्ट पेन के बारे में, जो कि इन बेसिस पे आपने याद रखनी है। ये निमोनिक है, OFDP लिख रहा, ऑनसेट एकदम शुरू हुआ, ऐसे ऐसे शुरू हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा हो चुका है, ड्यूरेशन कब से हो रहा है, प्रोग्रेशन आया के बेहतर हो रहा है मरीज के ख़राब हो रहा है, लोकेशन किस जगह पे है, इंटेंसिटी क्वालिटी रेडिएशन एग्रीवेटिंग एंड एलिविएटिंग फैक्टर्स के ज़्यादा क्या चीज़ कर रही है, कम क्या चीज़ कर रही है, एंड एसोसिएटेड फीचर्स। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इसके बज़वर्ड्स पे, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल है। मस्कुलोस्केलेटल में अगर पेन चेस्ट की है और साथ टेंडरनेस है ऑन पल्पेशन, और वो लोकलाइज कर सकते हैं पेशेंट के, जी मेरे फलां जगह पे दर्द है एक फिंगर से, इसका मतलब है कि वो मस्कुलोस्केलेटल पेन है। ठीक है, लोकलाइज कर सकता है और टेंडरनेस से। इसके अलावा अगर चेस्ट पेन की का रिलेशन है विद रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, तब भी मस्कुलोस्केलेटल ही कंसिडर होती है। मतलब कि अगर लोकलाइज कर सकता है, टेंडरनेस पॉजिटिव है, पेन एलिसिट होती है बाय टचिंग या पल्पेशन, और रेस्पिरेशन से एसोसिएशन है, तो मस्कुलोस्केलेटल पेन कंसिडर होती है जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है। ठीक है, फिर आ जाती है प्लूरेसी। प्लूरेसी बेसिकली है प्लूराइटिस या पेरिकार्डाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स या कवरिंग्स ऑफ द हार्ट और लंग्स। ठीक है, ये सेकेंडरी होती है वायरल इन्फेक्शन के, कि एक बंदे को वायरल इन्फेक्शन हुई थी पहले और अब जो है उसको चेस्ट पेन शुरू हो गई है, तो वो प्लूरेसी हो सकती है। एक ये बज़ वर्ड है इसका, और दूसरी चीज़ ये है कि एग्रवेशन ऑफ पेन ऑन लाइंग डाउन एंड गेटिंग बेटर व्हेन लीनिंग फॉरवर्ड, मतलब कि एक इंसान जब लेटता है तो दर्द बढ़ जाती है और जब आगे को लीन करता है तो दर्द कम होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पोस्चर को चेंज करने से अगर दर्द इंक्रीज हो रही है तो वो पेरिकार्डाइटिस है। अगली बात आ जाती है आपके पास गर्ड। ठीक है, गर्ड में क्या है, गर्ड में बेसिकली गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कि जो एसिड है वो ऊपर इसोफेगस में आ रहा है और उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन है। बर्निंग सेंसेशन एक इसका बस वर्ड है। दूसरा इसमें जो बस वर्ड है वो ये है कि इट इज़ एग्रवेटेड बाय फूड या मील। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो इसमें है कि इट इज़ रिलीव्ड बाय टेकिंग एंट एसिड्स, और ज़्यादातर ये वाली जो चेस्ट पेन है ये नाइट टाइम में होती है। फिर आ जाता है जी एकलेजिया। एकलेजिया में बेसिकली एक इंसान आपके पास आता है जिसकी बेल्चिंग कम है, मतलब के डिकार उसको नहीं आ रहे इतने ज़्यादा। ठीक है, बेल्चिंग कम है क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर रहा, तो फिर एयर स्टमक से ऊपर नहीं आ रही तो बेल्चिंग कम होगी, साथ उसके चेस्ट पेन है। जब आप कार्डियक एंजाइम्स करवाते हो और ECG देखते हो तो वो नॉर्मल होती है, तो वो फिर एकलेजिया की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। फिर आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कोई भी ऐसी चेस्ट पेन जो कि सडन इन ऑनसेट होगी और ECG चेंजेस हो ना भी हों तो फिर भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म कंसिडर हो सकती है, लेकिन अगर S1 Q3 T3 ये एक ECG चेंजेस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो अगर ये आपको मिल जाता है कहीं पे, बासवर्ड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपने गैलियम स्कैन करवाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक सडन कोलैप्स हो रहा है बंदा, तब भी आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही सोचना है। स्टेसिस की हिस्ट्री है, इमोबिलाइजेशन की हिस्ट्री है, या फिर ओसीपीज लेने की हिस्ट्री है, फिर भी आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही सोचना है। अगर चेस्ट पेन इज नॉट रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन तो मायोकार्डाइटिस सोचना है, ये रूमेटिक फीवर वगैरह में होता है। एम आई तब सोचना है अगर आपको उसके सारे वो टाइट स्क्वीजिंग चेस्ट पेन मिल रही है, ईसीजी पे चेंजेस मिल रही हैं आपको, और उसके अलावा रेडिएशन उसकी प्रॉपर आपको मिल रही है लेफ्ट आर्म में, वही सारे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं कि जी वो एक्सरसाइज करने पे बढ़ रही है, रेस्ट करने पे कम हो रही है, अगर अगर स्टेबल है, अनस्टेबल है तो नहीं होगी कम, तो ये वाली सारी बातें आ जाती हैं इसमें। फिर आती है एओर्टिक डायसेक्शन। एओर्टिक डायसेक्शन बेसिकली सिवियर चेस्ट पेन होगी जो कि रेडिएट कर रही होगी बैक पे, चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेस्ट पेन रेडिएट कर रही है बैक को तो एओर्टिक डायसेक्शन कंसिडर होती है, और अगर एब्डोमिनल पेन रेडिएट कर रही है बैक को तो वो पैनक्रियाटाइटिस कंसिडर होता है। निहायत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, और ये ज़्यादातर एओर्टिक डायसेक्शन होती है मार्फन सिंड्रोम में। अब आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज पे जो कि पूछे गए हैं। चेस्ट पेन रिलेटेड टू रेस्पिरेशन कोस्टोकोंड्राइटिस, ये डिस्कस हो चुका है। इंक्रीजिंग ऑन पेल्पेशन कोस्टोकोंड्राइटिस, टेंडरनेस है तो कोस्टोकोंड्राइटिस, एग्रेवेटेड बाय चेंजिंग पोस्टर पेरिकार्डाइटिस, ये प्लूरिसी वाली चीज़ें आ गई। देखो फीवर फॉर 10 डेज, फीवर फॉर 10 डेज, ये वायरल इन्फेक्शन की तरफ शायद थोड़ा सा उसको कर रहा है पॉइंट, और साथ चेस्ट पेन एग्रेवेटिंग ऑन लाइंग डाउन, तो फिर पेरिकार्डियम है इन्वॉल्वमेंट। रसलिंग साउंड, ये तो एक बहुत बड़ा बज वर्ड है पेरिकार्डाइटिस के लिए, रसलिंग साउंड, रसलिंग साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन, ये इतनी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि आपकी सोच है ये, कि फिर रसलिंग साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन पेरिकार्डियम। हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फाइब्रिनस पेरिकार्डियम, पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर चेस्ट पेन एंड रसलिंग साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन पेरिकार्डाइटिस। फिर आ जाता है एकलेजिया का, 50-year-old कंप्लेन्स ऑफ डिसफेजिया चेस्ट पेन एंड डिक्रीज बेल्चिंग, इसमें ये बेल्चिंग और डिसफेजिया ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कार्डियक एग्जाम्स ECG नॉर्मल है, एक्सरे में एयर फ्लूइड लेवल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एयर फ्लूइड लेवल अगर हो एक्सरे में मीडियास्टाइनम के अंदर तो फिर भी एकलेजिया ही को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, शॉपकीपर सडनली कोलैप्स्ड, सडनली कोलैप्स्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोलैप्सिस विद लो बीपी एंड चेस्ट पेन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट एक्सरे ECG नॉर्मल, ECG नॉर्मल भी हो सकती है, ECG S1 Q3 T3 भी हो सकती है, तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अगर सर्जरी हुई है तो इसमें भी स्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है तो एम्बोलिज्म हुआ है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। टॉल मैन इन सर्कस चेस्ट पेन डिसलोकेटेड लेंस, ठीक है, टॉल मैन इन सर्कस, टॉल मैन है ठीक है, साथ उसका डिसलोकेटेड लेंस है और अब चेस्ट पेन हो रही है, तो ये मार्फन सिंड्रोम की तरफ हमें पॉइंट कर रहा है। तो उसमें डिसेक्टिंग एओटा होगी सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस की वजह से, और एओटिक डिसेक्शन की वजह से चेस्ट पेन हो रही है उसे। सिवियर चेस्ट पेन, चेस्ट पेन बैक को जा रही है, एओटिक डिसेक्शन है, और क्यों है वो, मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओटा, वही वाली बात है। फिर कंटिन्यूस चेस्ट पेन नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन मायोकार्डियम, सडन चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक एंड आर्म, देखो अब बैक था लेकिन साथ आर्म भी आ गया, निहायत इंपॉर्टेंट बात कि ये आपको डिफरेंस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टेटमेंट आपने हमेशा पूरी पढ़नी है। एसोसिएटेड विद नोजिया वॉमिटिंग पेल्पिटेशंस, कार्डियक एंजाइम्स नॉर्मल, अब नॉर्मल है कार्डियक एंजाइम्स लेकिन एक्यूट MI हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी बहुत शुरू में है, कार्डियक एंजाइम्स 6 घंटे के बाद आने शुरू होते हैं, पहले 6 घंटे में तो है ही ECG जो है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड है MI के लिए, ठीक है, तो इस केस में एक्यूट MI।